फाइनली मेरे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और एग्जाम्स खत्म होने की खुशी हर वो इंसान समझ सकता है जिसने एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्स ओवर, हम लोग मेरठ के लिए निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। मैंने आधे घंटे पहले ख़त्म कर दिया पेपर, 12:30 बजे, 1 बजे तक का था, तो 12:30 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं मेरठ। हम लोग पहुँच चुके हैं होटल और पिंचू बोल रहा है मेरी गाड़ी साफ़ कर देना, बहुत गंदी हो चुकी है। तो भैया से उसमें बोल दिया हम 8 बजे निकलेंगे, गाड़ी सुबह साफ़ हो जानी चाहिए। क्या बहुत गंदी हो गई, हम लोग आए हैं सुबह से, अभी कल ही सर्विस कराई थी मैंने, अब दिखाया था अपने ब्लॉग में, लेकिन तो ब्लॉग में दिखाने के बाद फिर से गाड़ी गंदी हो गई है हमारी, तो सुबह साफ होगी। इतना तुमने कितना एक बार हाथ लाल कैसे हो रहा है? ये बीटरूट खाया था ना, बीटरूट खा रहे हैं, देखो बीटरूट खा रहे हैं ये, अब जाके हेल्दी खाया रात को। मेडिकल पर्सन के साथ रहने का नतीजा है तुम्हारा? मैं वैसे भी मेडिकल नहीं, हेल्थ कॉन्शियस। ओह माय गॉड, हेल्थ कॉन्शियस। मैं बीच में चाउमीन खा देता हूँ। चाउमीन, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, ये सब पसंद है इसको तो। और सबने जनता ना, तुम झूठ मत बोले जनता से, सब जानती जनता, उन्होंने देखा है तुम्हें चाउमीन बर्गर मोमोज खाते हुए। लेकिन मैं ये सब भी करता हूँ भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और दिस इज द सेकंड डे नहीं है हमारा अभी हम लोग, एग्जाम है मेरा लास्ट, तो अभी उसके लिए जा रहे हैं। उठ चुके हैं, नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। 10 बजे से एग्जाम है, 8 बजे हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। हमारा कॉलेज बहुत पास है, कितनी दूर होगा पिंचू? छी नहीं यार, वो ऐसी रखी थी, प्लीज ये मत करो अभी यार, नहीं ये नहीं करना था पिंचू। नाश्ता हो गया मेरा, तो नहीं हुआ नाश्ता, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, है ना। एग्जाम बस, फ्री एग्जाम देने के बाद आज मैं पूरा फ्री हो जाऊंगी, इतना टेंशन था ना, बस लास्ट है ये मेरा एग्जाम। फिर शाम में व्लॉग डालना है पिंचू हमारे जो जनता है ना वो बोल रही है कि व्लॉग नहीं आ रहे हैं यार, व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि एग्जाम चल रहे थे। दोस्तों रेडी हो चुके हम, पिंचू नीचे चेकआउट करने के लिए गया हुआ है और अब फटाफट से मैं भी निकल रही हूँ यहाँ से। सब पिंचू ने चेकआउट कर दिया था और अब हम लोग रास्ते में हैं। चेकआउट करने के बाद पिंचू कैसा लगा तुम्हें मथुरा वृंदावन? बढ़िया। किसे अच्छा नहीं लगेगा मथुरा वृंदावन, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा क्योंकि है इतनी अच्छी जगह, पावन जगह। खाना आ चुका है, मक्खन, मक्खन अच्छा है ना? बहुत कम भी आ गया है, कैसा बना है? अच्छा, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमने खाना खा लिया, बहुत बढ़िया खाना खाया हमने, दार था भाई, पराठा मोटे से सफेद मक्खन के साथ, तो मजा ही आ गया। लेकिन साउथ इंडियन इतना अच्छा नहीं था, ठीक था मतलब, पर पराठा, पराठा तो बाबा। फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट। और फाइनली मेरे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और एग्जाम्स खत्म होने की खुशी हर वो इंसान समझ सकता है जिसने एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्स ओवर, हम लोग मेरठ के लिए निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। मैंने आधे घंटे पहले ख़त्म कर दिया पेपर, 12:30 बजे, 1 बजे तक का था, तो 12:30 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं मेरठ। चलो हम फ्री हो गए यार, इतने दिन से टेंशन थी मुझे पेपर की, वो फाइनली पूरी हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। चल यार अब घर को चलते हैं, चल घर को चलो। अच्छा वो होटल वाले से गाड़ी साफ करवा दी थी, है ना? गाड़ियों बिल्कुल घर की गाड़ी, घर चलो हाँ निकलते। इतनी गर्मी में ये गाड़ी खड़ी करी है, पूरा गर्म हो गया गर्मी, मतलब बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हिरण की खाल भी काली हो गई है घूम तो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। चलो बाय बाय, बाय बाय। कौन है? अब हमें DRC के लिए आना है यहाँ पर। वो नहीं, मैं नहीं आऊंगा उसमें, तुम रोडवेज से आ जाना। अरे यार उसमें 3 घंटे का पेपर नहीं होता यार, अरे नहीं यार उसमें तो बस हमारा 1 घंटे का काम है, इतना ही साथ निभाना था मुझे। हाँ 1 घंटे का काम है बस इसमें, मेरा पूरा वीकेंड इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट। क्या तो वीकेंड तुम मथुरा की गलियों में घूमे हो क्या, बेकार हुआ तुम्हारा वीकेंड? 3 घंटे और बात करने से चलो 3-4 घंटे मथुरा घूमो, ज्यादा अच्छा है। हाँ खाओ पियो तो यार, 3 घंटे बर्बाद किया तो अच्छा ही है ना मेरे लिए। एक एक पेटा खा लेके चक्कर आ जाओ, बैट लगा लो मेरठ की ओर। बाय बाय भैया, बाय भैया, बाय भैया भी खुश हो गए, मैंने कहा ऐसे हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से सीधा सीधा हम लोग दिल्ली।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे कट लेंगे फिर वहां से मेरठ, मतलब एक। दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं इतने एग्जर्शन के बाद। हम लोग टाइम से पहुंच गए, 3:30 बज रहे हैं अभी। हम लोग 3:30 बजे पहुंच गए, 12:15-1 बजे के आसपास निकले थे हम लोग। तो घर पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है, और एज यूजुअल घर आकर ही अच्छा लगता है। आप कितने होटल में रुक जाओ, कंफर्टेबल ना घर में ही आके होता है इंसान। तो वहाँ पे हम बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हम लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि कल ऑफिस है, आज संडे है यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी आराम करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों शाम हो रही है और शाम में पापा को गाना सुनने का मन था, तो पापा ना यूट्यूब से कुछ गूगल से कुछ कहना चाह रहे हैं और गूगल ना इनकी बात नहीं ले पा रही है। पापा जरा बात करना गूगल से। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं आपको गीत गाता हूँ मैं के बारे में सब कुछ जानने में मदद कर सकती हूँ। पर ये आपको सुना नहीं सकती। अरे यार पापा को गाना नहीं सुना रही है। पापा आपको भूल गई, आपकी आपकी आवाज नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रही है।